नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं रिश्तों से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में रिश्तों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और पिछली परीक्षाओं में अधिकांश उसी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में वो सभी प्रश्न इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतु ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, एक लौते बेटे का बेटा है। तो ऋतु से संबंधित वह तस्वीर किसकी है? ठीक है, जो तस्वीर में है वह तस्वीर किसकी है? ऑप्शन में भाई की, चाचा की, चचेरा भाई की, या फिर जानकारी अपर्याप्त है। दोस्तों, आप सॉल्व इसको ऐसे किस टाइप से करेंगे, हर प्रश्न सबसे पहले देखते हैं लड़का, पापा, दादा, दादी होती हैं, जिसके बाद सबसे पहले किसको उठाते हैं, ऋतु को उठाते हैं। तो आप सबसे पहले ऋतु पर फोकस कीजिएगा। ऋतु ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पर दादा आ जाएगा, फिर एक लौते पुत्र यानी दादा का पुत्र ऋतु का पापा हो जाएगा, दादा का पुत्र हो जाएगा या बेटा, दादा का बेटा का बेटा है, बेटा का बेटा। देखिए, दादा के बेटे का बेटा यानी कि ऋतु के पापा का बेटा क्या लगा? यह आपस में कौन से भाई बहन से, भाई बहन के संबंध में है? दोस्तों, इस ऑप्शन का सही आंसर है कि ऋतु का वह फोटो में जो है व्यक्ति है वो उसका ऋतु का भाई है। दोस्तों, आप इसको आसानी से इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले दादा को उठा लिया और दादा का बेटा, फिर बेटा का एक तो पुत्री और एक बेटा, या एक बेटी और बेटा, ये दोनों आपस में भाई बहन हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, चाचा के पिता की बेटी का बेटा, यानी कि उस लड़की के दादा के लड़के, दादा दादा की लड़की का बेटा है। तो देखिए, सबसे देखते हैं वह लड़की यानी कि एक यहाँ पर एक गर्ल्स लिख लेते हैं, गर्ल्स के ऊपर यहाँ पर अपन जे वाला लाइन हो जाएगी कि पापा वाली, एक यहाँ पे पापा, पापा का भाई हो जाएगा चाचा, ठीक है, पापा का भाई चाचा हो जाएगा। इसके बाद बोल रही पापा के पिता यानी चाचा के पिता, बोल रही पापा के पिता और चाचा के पिता एक ही होंगे यानी कि इसके दादा हो जाएंगे, जे चाचा के क्या हो जाएंगे यहाँ पर, चाचा के पिता हो जाएंगे। तो चाचा के पिता की बेटी, चाचा के पिता की बेटी, तो चाचा की क्या होगी, बहन होगी, वाक यहाँ पर स्किन की हो जाएगी बहन। देखिए, चाचा चाचा के पिता की बेटी, चाचा की क्या लगी, बहन लगी, बहन लगी, तो चाचा की बहन क्या कहलाती है, अपनी बुआ कहलाती है, अपनी बुआ कहलाती है। और बुआ का लड़का हो या लड़की, लड़का हो तो भाई और लड़की हो तो बहन कहलाती है, तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा भाई। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ का एक लौते बेटे का बेटा है, एक लौते बेटे का बेटा है। तो किस प्रकार सुरेश उस लड़के से संबंधित है? देखिए, सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के एक लौते मतलब एकमात्र बेटे का बेटा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सुरेश, सुरेश की माँ आ जाएगी, यहाँ पर सुरेश की माँ आ जाएगी, सुरेश की माँ का एकमात्र बेटा या पुत्र स्वयं हो जाएगा, स्वयं सुरेश हो जाएगा, और उस बेटे का बेटा हो जाएगा तो वह सुरेश का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, सुरेश का पुत्र हो जाएगा। तो
सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंध है, तो जो बेटा है इस बेटे का सुरेश से क्या रिश्ता है, तो बेटे का सुरेश से पिता का रिश्ता है, यानी कि उस तस्वीर में जो व्यक्ति है उसका सुरेश पिता है यानी कि पापा है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आमिर ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तो आमिर तस्वीर में आदमी जो है उससे क्या संबंध है, क्या लगता है, जो भी तस्वीर में व्यक्ति है उससे का क्या लगता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आमिर ने कहा, तो सबसे पहले आप आमिर को उठाएंगे यहाँ पर, आमिर ने कहा कि वह मेरे भाई, यहाँ पर भाई हो जाएगा आमिर का भाई, तो यहाँ पर के आ जाएगा, की नहीं है, पिता हो जाएगा, इनका पिता, इनके पिता हो जाएंगे, तो यहाँ पर पिता तो दोनों के एक ही होंगे, भाई का पिता या अपना पिता स्वयं का पिता तो एक ही होता है। इसके बाद इसकी एक लौती बेटी यानी कि इनके भाइयों के अलावा एक बेटी भी है, एक बेटी भी यानी कि दो भाई और एक बहन है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एक लौती बेटी का बेटा है, तो बेटी का क्या हो जाएगा, बेटी का यहाँ पर आप देखेंगे बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा हो जाएगा जे आमिर रहा और जे आमिर का भाई रहा और जे पिता हो गया यहाँ पर। तो बेटी का बेटा इनसे क्या संबंध है, अपनी जो बहन है, बहन का बेटा हो या बेटी, भांजा या भांजी लगते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा कि वह उस फोटो में जो व्यक्ति है उसका आमिर के साथ मामा का रिश्ता है, यानी कि आमिर उस व्यक्ति का मामा लगता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर अब समाप्त होता है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय माता दी।